आज हम देखेंगे दशमलव संख्याओं में शून्य की भूमिका। चलिए शुरुआत करते हैं एक मजेदार सवाल से। निशा, मीना और मिताली का दशमलव संख्याओं से परिचय हो चुका है। टीचर ने उन्हें 1.09 और 1.9 की तुलना करने के लिए कहा। इस पर निशा का मानना था कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। मीना का मानना था कि 1.09 1.9 से बड़ी है और मिताली का मानना था कि 1.9 1.09 से बड़ी है। क्या आप बता सकते हैं किसकी समझ सही है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। निशा को मिथ्या धारणा है कि शून्य के होने या ना होने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए उसके अनुसार दोनों संख्याएं बराबर है। जबकि मीना की मिथ्या धारणा यह है कि 1.09 में ज्यादा अंक है, इसलिए 1.09 1.9 से बड़ी है। यह मिताली की समझ सही है। मान लीजिए हम एक बड़े वर्ग को एक इकाई मानते हैं, तो एक पूर्ण वर्ग और एक वर्ग के 100 भागों में से 9 भाग लेने पर इनका दशमलव रूप किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। एक वर्ग यानी एक इकाई, इसलिए हम इकाई के स्थान पर एक लिखेंगे। यहाँ एक वर्ग के 100 भाग किए हैं और इनमें से 9 भाग लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक इकाई के साथ 9 शतांश भी है, जिसे हम दशमलव रूप में 1.09 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अगर एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण वर्ग के 10 बराबर भागों में से 9 भाग लिए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक इकाई के साथ 9 दशांश भी है, जिसे हम दशमलव रूप में 1.9 से व्यक्त करते हैं। यहाँ 1.09 और 1.9 के निरूपण से पता चलता है कि 1.09 1.9 से छोटी है, इसलिए मिताली की समझ सही है। दशमलव संख्याओं में शून्य का बड़ा महत्व होता है। अगर किसी स्थान पर कोई भी अंक ना हो तो शून्य का एक स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। शून्य के प्रयोग से संख्याओं के अंकों को उनके सही स्थानों पर व्यक्त किया जाता है। जैसे एक इकाई और 9 शतांश को 1.09 इस प्रकार व्यक्त करना सही है, जबकि 1.9 इस प्रकार व्यक्त करना गलत। दशमलव संख्याओं में स्थान धारक शून्य का प्रयोग और अच्छे से जानने के लिए आइए एक उदाहरण देखें। यहाँ कुछ संख्याएं हैं। क्या इन सभी का मान बराबर है? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। तो आइए सही जवाब पता करें। दशमलव के संदर्भ में शून्य बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इन्हें स्थान धारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि इनके उपयोग से अंकों को उनके सही स्थान पर सुनिश्चित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1.9 10.9 1.09 1.009 संख्याएं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन शून्य अन्य अंकों को उनके सही स्थानों पर पकड़ के रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका मान सही है। आइए इन्हें स्थानीय मान सारणी में देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1.9 में एक इकाई है और 9 दशांश है। 10.9 में एक दहाई यानी 10 इकाइयां हैं और 9 दशांश है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि शून्य के प्रयोग से अंकों का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बदल गया है। इसी प्रकार 1.09 में एक इकाई है और 9 शतांश है। 1.009 में एक इकाई है और 9 हजारवे है। चूंकि इन सभी संख्याओं में अंकों के मान अलग अलग है, इसलिए संख्या का मान भी अलग है। अब ध्यान दीजिए, 1.9 1.90 और 1.900 पर क्या इनका मान बराबर है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 1.9 को एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग के 10 बराबर भागों में से 9 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 1.90 को एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग के 100 बराबर भागों में से 90 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है।
और 1.900 को एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण वर्ग के 1000 बराबर भागों में से 900 भाग लेकर व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी संख्याओं द्वारा निरूपित भाग बराबर ही है, इसलिए ये सभी संख्याएं बराबर है। इसी के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि दशमलव संख्याओं के अंत में कितने भी शून्य लगाए या घटाए जा सकते हैं, इससे संख्या का मान नहीं बदलता। क्या हम किसी संख्या के पहले शून्यतर अंक और अंतिम शून्यतर अंक के बीच में किसी भी स्थान पर शून्य का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे अंकों का स्थान बदल जाता है और इसलिए संख्या का मान भी बदल जाता है। इसलिए ध्यान रहे, हम पहले शून्यतर अंक और अंतिम शून्यतर अंक के बीच में किसी भी स्थान पर शून्य नहीं लगा सकते। साधारणतः अगर दशमलव बिंदु के बाई ओर कोई भी अंक ना हो तो हम दशमलव बिंदु के बाई ओर शून्य रखते हैं। दशमलव बिंदु के पहले का शून्य यह व्यक्त करता है कि संख्या एक से छोटी है, इसलिए चाहे हम 0.1 लिखे या 0.1, दोनों का मान बराबर है। तो आज हमने देखी दशमलव संख्याओं में शून्य की भूमिका।